जैन डिजिटल पाठशाला। अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अभय घोष काकंदी के राजा थे। एक दिन राजा अभय घोष घूमने के लिए जंगल में गए थे। इसी समय एक मल्लाह एक बड़े और जीवित कछुए के चारों पांव बांधकर उसे लकड़ी में लटका कर ले जा रहा था। पापी अभय घोष की उस पर नजर पड़ गई। उन्होंने मजाक वश हो अपनी तलवार से उसके चारों पांव काट दिए। बड़े दुख की बात है कि पापी लोग बेचारे ऐसे निर्दोष जीवों को निर्दयता के साथ मार देते हैं और न्याय अन्याय का कुछ विचार भी नहीं करते। कछुआ उसी समय तड़फड़ाकर गतप्राण हो गया। मरकर वह अकाम निर्जरा के फल से उन्हीं अभय घोष के यहां चंडवेग नाम का पुत्र हुआ। एक दिन राजा को चंद्रग्रहण देखकर वैराग्य हुआ। उन्होंने विचार किया, जो एक महान तेजस्वी ग्रह है जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता और जिसकी गणना देवों में है, वो भी जब दूसरों से हार जाता है तब मनुष्यों की तो बात ही क्या। हाय, मैं बड़ा ही मूर्ख हूँ जो आज तक विषयों में फंसा रहा और जैन धर्म से विमुख होकर अनेक पाप करता रहा। इस प्रकार स्थिर विचार कर राजा अभय घोष ने सब राजभार अपने कुंवर चंडवेग को सौंप जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। इसके बाद मुनि अभय घोष अपने गुरु महाराज को नमस्कार कर और उनकी आज्ञा ले देश विदेशों में धर्मोपदेशार्थ अकेले ही विहार कर गए। कई वर्षों वे घूमते फिरते फिर एक बार अपनी राजधानी काकंदी की ओर निकले। एक दिन वे शवासन में तपस्या कर रहे थे। इसी समय उनका पुत्र चंडवेग इस ओर आ रहा था। चंडवेग पूर्व जन्म में कछुआ था और उसके पांव अभय घोष ने काट डाले थे। सो चंडवेग की जैसे ही उन मुनिराज पर नजर पड़ी, उसे अपने पूर्व भव की याद आ गई। उसने क्रोध से अंधे होकर उनके भी हाथ पांवों को काट डाला। अभय घोष मुनि पर महान उपसर्ग हुआ, पर वे भी मेरु के समान अपने कर्तव्य में दृढ़ बने रहे। अपने आत्म ध्यान से वे रत्ती भर भी न चुगे। इसी ध्यान बल से उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त किया। वह चंडवेग अपने बुरे भावों से मरकर नरक गया। नरक में इसी प्रकार का छेदन भेदन दुख सहता रहा। प्यारे बच्चों, हम भी मजाक मजाक में चींटी मच्छर आदि छोटे छोटे कीड़ों को मारते हैं, उनके पांव तोड़ देते हैं, कुत्ते बिल्ली को पत्थर से मारते हैं, लेकिन उनका फल आगे जाकर भुगतना ही पड़ता है। अतः छोटा हो या बड़ा कोई भी जीव हो, उसे पीड़ा नहीं देनी चाहिए।